हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ ये है आपका हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश। तो बात कर लूँगी कि ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली कैसे लगता है और आपको जो है ये प्रोडक्ट पिक करना चाहिए कि नहीं। सो वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, एज यू नो कि मैं आज हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश का रिव्यू करने वाली हूँ। सो इट प्रिवेंट्स पिंपल्स, सो पिंपल्स को आने से आपके फेस में रोकता है। तो पिंपल्स जो है गाइज, हमें ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए फेस्ड होता है या फिर होती है अगर थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशनल स्किन है। तो ड्राई स्किन को काफ़ी ज़्यादा पिंपल वाली प्रॉब्लम नहीं होती, बट इवन दो अगर एक दो हो रही है, बट स्टिल इट विल प्रिवेंट द पिंपल। फॉर वॉश इज गुड फॉर ऑल द कैटेगरी अगर स्किन टाइप, मतलब अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है या फिर है नॉर्मल या फिर है ड्राई स्किन, स्टिल यू कैन यूज़ दिस फेस वॉश। इट इज़ सेफ टू यूज़, इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़। सो बात कर लूँगी नेट वॉल्यूम। तो गाइज, इसकी जो नेट वॉल्यूम है इट इज़ ऑफ 100 ml। इसकी जो प्राइस है गाइज, MRP इट इज़ ऑफ 120 rupees। इसकी गाइज दे हैव मेंशनड द मैन्युफैक्चर एज वेल एज द एक्सपायरी डेट, बट आई नो कि यू विल नॉट सी इट। तो इसकी जो मैन्युफैक्चर हुई है ये 2019 में हुई है गाइज, एंड इसकी जो एक्सपायरी है ये है आपका 2022। सो इट इज़ अ सोप फ्री फेस वॉश। तो गाइज, एक छोटा सा पर्सनल रिकमेंड या फिर पर्सनल सजेशन रहेगा मेरी साइड से यही पे, वो ये है कि आप फेस वॉश जब भी खरीदते हो गाइज, हमेशा चेक कीजिए कि वेदर दैट फेस वॉश इज सोप फ्री और नॉट। अगर ये पॉइंट आपके फेस वॉश में मैंशन है, मतलब ये फेस वॉश होने वाली है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है आपकी स्किन के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट वाली जो फील है वो आपको देगा। जब भी आप सोप जो है यूज़ करते अपने फेस पे, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपन द स्किन टाइप, वो जो है ड्राई हो जाती है, हर्शिंग वगैरह आपको जो है फील होती है। सो हर्शनेस एंड ऑल जो है आपको फील होती है। तो हमेशा वही फेस वॉश जो है चूज़ कीजिए जिसमें हो सोप फ्री का मेंशन किया हुआ टैग। सो ऑल दो जो भी फेस वॉशेस, जो भी कंपनी फेस वॉशेस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, इफ़ इट इज़ अ सोप फ्री दे विल डेफिनेटली मेंशन, वो आपको मेंशन करेंगे पीछे हो डिस्क्रिप्शन में हो और इट वुड बी सम पार्ट इन द बिगिनिंग, बट दे विल मेंशन कि वेदर दैट फेस वॉश इज सोप फ्री और नॉट। वही फेस वॉश उठाए जिस फेस वॉश में हो सोप फ्री का टैग। अब बात कर लूँगी गाइज, इट इज़ नीम फेस वॉश। सो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है गाइस, ये रहेगा आपका नीम एंड टर्मरिक। सो नीम जो होती है गाइस, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द एंटीबैक्टीरियल, मतलब इसमें होती है आपका एंटीबैक्टीरियल वाली प्रॉपर्टी, जो कि आपके अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है तो ये उसको रिड्यूस करने में या फिर किल करने में हेल्पफुल है। बात कर लूँगी अब टर्मरिक की। जो टर्मरिक होती है गाइस, ये हमारा स्किन को जो है पिंपल फ्री बनाती है, एज वेल एज अगर हमारे में है एक्निंग एंड ऑल, सो ये इसको रिड्यूस करती है। सो इफ द फेस वॉश कंसिस्ट ऑफ अ नीम एंड टर्मरिक इन इट, तो ये एक कंप्लीट फेस वॉश है अगर आपकी स्किन में है काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स, एंड इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पिंपल्स। पिंपल्स तभी होती है गाइस जब आपके फेस में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है। सो अब बात कर लूँगी इसकी क्वांटिटी। तो गाइस, यू नो इट इज़ ऑफ 100 ml। सो दे हैव गिवन द डायरेक्शन हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस फेस वॉश, एंड नाउ आई विल ओपन दिस एंड आई विल शो यू। सो एज यू कैन सी गाइस, इट इज़ अ लाइट ग्रीन इन कलर। ये लाइट ग्रीन है, इसकी स्मेल इट्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्मेल है, काफ़ी लाइटली स्मेल है, और इसकी जो पैकेजिंग एंड ऑल है गाइस ये बहुत सही है। इट इज़ द वन, और मैं इसको हमेशा से प्रीफर करती हूँ गाइस, ये मेरा हमेशा से एक पहला प्रेफरेंस रहा है फेस वॉश के रिगार्डिंग। आई डोंट नो गाइस वेदर यू विल बिलीव मी और नॉट, बट ये मेरा आई होप कि 2 से 3 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग द हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश ऑन माई फेस, क्योंकि रैंडमली मैं जब भी कोई दूसरे ब्रांड का फेस वॉशेस यूज़ करती हूँ तो हमेशा आई फेस अ लॉट ऑफ रैशेस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, या फिर काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है। सो डिपेंड करता है, बट स्टिल मैं इसको जो है हमेशा से पहला प्रेफरेंस रखी हूँ।
साथ ही मैं कुछ और फेस वॉशेज जो है वो भी यूज़ करती हूँ, उसको मैं आपको दूसरे वीडियोस में जो है दिखाती रहूँगी गाइस कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ और कौन सा फेस वॉश आपको जो है आप ले सकते हो। सो यही था गाइस समथिंग अबाउट हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश। आई होप गाइस कि आपको जो है ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी भी यूज़ कर रहे हो और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो गाइस तो आप मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप यूज़ ज़रूर करें और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से रेटिंग जो है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपके पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे। हालांकि गाइस इसको मैं अगर रेटिंग देना चाह रही हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के बाद, सो एज़ यू कैन सी कि मैं इस फेस वॉश को जो है 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। हिमालय इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी। मेरे को जब भी हिमालय की प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ करती हूँ हमेशा लगती है कि इट इज़ वन ट्रस्ट दैट आई नीड टू आई हैव फॉर दिस ब्रांड फॉर दिस कंपनी। तो जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है 100% जो है मेरी एक ट्रस्ट रहती है हिमालय पे, तो वही है। तो ये 5 में से गाइस 5 रेटिंग जो है डिजर्व करती है ये फेस वॉश मेरे से। बाकी आप यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद जो है कितना रेटिंग देना चाहेंगे अपने पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंग। सो यही था गाइस समथिंग अबाउट द हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश। आई होप गाइस कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद ज़रूर आएगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट टुडेज़ प्रोडक्ट रिव्यू। सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट। टिल देन बाय गाइस।